अस्सलाम वालेकुम। कोवलेंट सॉलिड को रिसर्च कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवलेंट सॉलिड की डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज को रिसर्च कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में अगर देखा जाए ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। क्या हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्या हमारे पास इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले नंबर पर आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब पेपर में इसी तरीके से पूछा जाता है, वो कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड की ना आपने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, आपकी बुक में अगर देखोगे तो सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, साथ में कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो आपने पैराग्राफ तो याद करना ही करना है, लेकिन उसमें कुछ हेडिंग्स बनानी पड़ती हैं। सही है, मसलन इसकी ज्योमेट्री किस तरह की है, इसकी बॉन्ड लेंथ किस तरह की है, ये सारी की सारी आपको हेडिंग्स यहाँ पर बनानी पड़ेंगी। सही है, तो ये चीज़ आपने याद रखी। सबसे पहली बात, हमारे पास डायमंड इज अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है हमारे पास, डायमंड इज अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो है ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। याद रखिएगा, कार्बन के अगर स्ट्रक्चर आप देखो ना, कार्बन के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और दो शेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि दूसरे शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपने एक चीज़ पढ़ी हुई जी, ऑक्टेट रूल। क्या चीज़ पढ़ा हुआ है? ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है। तो दुनिया में ना हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है, इसी तरह कार्बन भी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना चाहता है। सही है, इसके ना 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे लेने के लिए क्या करता है, बाकी 4 किसी भी चीज़ के साथ शेयरिंग करेगा, किसी भी चीज़ के साथ शेयर करता है। शेयर करने के बाद अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल कर लेता है। अब ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये किसी दूसरे एटम के, मसलन हमारे पास ये किसी भी एटम के हो सकते हैं, लेकिन अगर डायमंड के केस में देखोगे ये दूसरे डायमंड यानी दूसरे कार्बन एटम के होंगे। डायमंड के केस में अगर देखोगे तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। किस फॉर्म में जुड़ा होता है जरा गौर कीजिएगा। ये दरमियान में कार्बन एटम है, मैं इस तरह डॉट से कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करूंगा। इसके ऊपर वाली साइड पे एक डायमंड में ऊपर वाली साइड पे एक कार्बन एटम जुड़ा होगा, इस साइड पे भी एक कार्बन एटम जुड़ा होगा इस तरह, और एक कार्बन एटम कुछ इस तरह जुड़ा होगा। एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। 4 क्यों बना रहा है? क्योंकि आखिरी शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 बॉन्ड बना के 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। शेयर करने के बाद अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेगा और खुद स्टेबलाइज हो जाएगा। सही है, और डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। सही है, बात याद रखिएगा। अब इससे पहले ना देखो, उसके डायमंड में कार्बन पाया जाता है। कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। द कार्बन एटम इन डायमंड हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल। और अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो बच्चे कुछ इस तरह की होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज, कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए बच्चे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले शेल में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास होता है 1s2, इसके बाद आ जाएगा 2s2, इसके बाद हमारे पास पी आ जाता है। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2pz। अच्छा बच्चे, यहाँ पर याद रखिएगा, px, py और pz को ऑर्बिटल का नाम दे रहे होते हैं। तो अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ना, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। सही है, तो ये हमारे पास कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या हमारे पास कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इसमें हाइब्रिडाइज स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो हमारे पास C6 इस तरह करके ना
आगे ब्रैकेट डाल के आगे लिख दिया हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में किस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है 1s2 2s1 2px 1 2py 1 और 2pz 1। अब हुआ क्या है, मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, निकालने के बाद यहां पे भेज दिया, क्या किया यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला 2s से, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला यहां से तो बाकी कितने रह गए एक, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां पे चला गया। अब ना ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, ये देखो आखिरी शेल में ये सारे के सारे आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे एक चीज लिखनी है, इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो बच्चे आपके चैप्टर नंबर 6 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसके अंदर जाकर हमने इसको पढ़ना है। क्या चीज़ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जहाँ पे हमने इसको जाकर पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है जी, एक एस होता है और 3 p होते हैं, एक एस और 3 p के मिलने से हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। क्या चीज़ बन जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। सो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे, इन डायमंड, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है। किस तरह sp3, एक s मिलता है 3 p मिलते हैं, इसलिए हमने कह दिया ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, एंड ईच कार्बन एटम और हर एक कार्बन एटम क्या होता है, इज कनेक्टेड टू फॉर अदर कार्बन एटम। देखो एक कार्बन एटम मजीद 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, सही है, फॉर अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म और बना देता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देता है, ये बात एक छोटी सी याद रखिएगा। अब इसके बाद में चंद एक बातें जो आपने जहन में रखनी है बच्चे, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेक करूँ, बॉन्ड एंगल क्या होता है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बनता है, इसको बॉन्ड एंगल का नाम देते हैं बच्चे, ये होता है 109.5 डिग्री। कि आपके डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन में अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो ये कितना है 109.5 डिग्री, और इसकी जो ज्योमेट्री है ये इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। देखो वर्ड पे गौर करो, टेट्रामीन होता है 4, टेट्रामीन क्या है 4 है, और हेड्रामीन निकला हेड से, हेड का मतलब होता है सिरे, हेड्रल मीन सिरे, सही है, टेट्राहेड्रल 4 सिरों वाला। यहां पर देख लो इसके 4 सिरे बन रहे हैं, कितने सिरे बन रहे हैं हमारे पास, 4 सिरे बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल। इसके बाद एक और चीज जो आपने याद रखनी है, एक कार्बन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक का जो फासला होता है वो होता है 154 पिकोमीटर। ये भी याद रखिए, बॉन्ड लेंथ इसको कहते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के सेंटर तक का जो फासला है इसको हम बॉन्ड लेंथ का नाम दे रहे होते हैं, और यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है ये है हमारे पास 154 पिकोमीटर। अब ना यही बातें हमने सारी की सारी लिखनी है। सबसे पहली बात हमारे पास बॉन्ड एंगल, हेडिंग देखिए बॉन्ड एंगल। अब यहां बॉन्ड एंगल देखा जाए तो बॉन्ड एंगल इज द बॉन्ड एंगल इन डायमंड में बॉन्ड एंगल क्या होता है इज 109.5 डिग्री, इतना बॉन्ड एंगल होता है। इसके बाद बॉन्ड लेंथ, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी बॉन्ड लेंथ। अच्छा अगर बच्चे मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, सही है, द डिस्टेंस द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन एटम
एटम इज 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, ये 154 पिकोमीटर होती है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी ज्योमेट्री की, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास ज्योमेट्री। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो बच्चे इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, द ज्योमेट्री ऑफ डायमंड, द ज्योमेट्री मतलब शक्ल किस तरह की, द ज्योमेट्री ऑफ डायमंड, डायमंड की जो ज्योमेट्री है डायमंड इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होती है। अच्छा, इसके बाद जो एक चीज और लास्ट में लिखनी पड़ती है, इसका क्रिस्टल सिस्टम यानी कि यूनिट सेल किस तरह का होता है, सही है, शेप कह लो या यूनिट सेल कह लो। अगर मैं यूनिट सेल की बात करूँ बच्चे, इसका यूनिट सेल होता है यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक, डायमंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या द शेप ऑफ डायमंड, द शेप ऑफ डायमंड इज फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होती है इसको समझ लीजिएगा। अगर मैं बेसिकली अगर देखा जाए ना डायमंड की, अगर शेप ये हमारे पास एक क्यूब आपने बनाना है, ये हमारे पास एक क्यूब बन गया इस तरह का, ये आपने बचपन में बनाना सीखा होगा, क्यूबिक शेप होती है फेस सेंटर। देखो मैंने कहा फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेप होती है, सबसे पहला काम है जी आप क्यूब बना लो, क्या बना लो क्यूब, ये मेरे पास क्यूब है। अब इस क्यूब में पता क्या करना, पहले इसको समझ लो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है। अच्छा, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि हर एक कोने पे एक एक कार्बन एटम लगा दो, क्या है, एक एक कार्बन एटम लगा दो, लो जी। इसके बाद फेस सेंटर्ड का मतलब पता क्या होता है, फेस सेंटर्ड वर्ड पर गौर करो, फेस सेंटर्ड, फेस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको सामने, ये इस साइड फेस है, ये पीछे से फेस है, एक नीचे फेस है, एक ऊपर फेस है, यानी कि इनके सेंटर सेंटर में एक एक एटम लगा दो, इसे हम इसको नाम दे रहे थे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सही, मैंने क्या किया जी, इनके सेंटर में, ये ऊपर वाले के सेंटर में लगा दिया, ये नीचे वाले के सेंटर में लगा दिया, इसके बाद इस साइड के सेंटर में मैंने ये लगा दिया, पीछे वाले के सेंटर में, और इस साइड के सेंटर में, और सामने वाले के सेंटर में मैंने ये लगा दिया, सही है। अब आपने पता क्या करना होता है, इनको आपस में इस तरह रैंडमली कनेक्ट कर दो, इस तरह, सही है, आपकी बुक ने भी कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम इसको रैंडमली थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं, सही है। तो ये हमारे पास इसके फेस सेंटर क्यूबिक की शेप है, ये इस तरह की हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक होता है। बेसिकली जो आपने बात याद रखनी है, जहन में रखनी है, वो ये है कि आपका जो फेस सेंटर क्यूबिक है, हर कोने पे क्यूब के एक एक एटम लगा होता है, इसके फेसेस पे एक एक एटम लगा होता है, इस तरह की हमारे पास डायमंड की स्ट्रक्चर होती है। और बेसिक अगर देखा जाए जायंट स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी जायंट स्ट्रक्चर, और डायमंड्स जायंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाया जाता है, द डायमंड इज प्रेजेंट इन जायंट स्ट्रक्चर, जायंट स्ट्रक्चर इन विच, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन विच कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ईच अदर। जरा गौर कीजिएगा, ये हमने लास्ट टाइम बनाई थी। अब जायंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक सेम इस तरह का सिंपल सा बनाओ, ये देखो ये मेरे पास सिंपल सा बन गया, ये हमारे पास इस तरह की मैंने एक शेप सिंपल सी बना ली। बाद में आपने क्या करना है, इसी तरह की शेप्स को रिपीट करना है, यहां मैं रिपीट कर रहा हूं इस तरह, सेम काम यहां पर भी रिपीट करो इस तरह, सेम काम यहां पर भी रिपीट करो, इसके बाद इसके नीचे भी थोड़ा सा रिपीट कर दो, यानी कि उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन के सामने आ जाती है, सही। इसको अंदाजतन ही बनाना होता है, एग्जैक्ट तो आप नहीं बना सकते, सही, अंदाजतन जितनी बन सकती है उतनी आप इसको बना दीजिएगा, सही है। ये हमारे पास इसकी डायमंड की
जाइंट स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं, जुड़ने के बाद इस तरह की हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। बस बच्चे ये वाली बात आप याद रख लीजिएगा, यही हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में सबसे पहली बात हमने कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर वाले शेल में होते हैं। सही, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। इसकी बात की बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शायद अभी समझ ना आए क्योंकि इसको हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, तो सिर्फ वर्ड याद रख लीजिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। और इसमें बॉन्ड एंगल ये है, बॉन्ड लेंथ हमारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, यूनिट सेल अगर देखा जाए तो इस तरह का होता है, और जायंट स्ट्रक्चर हमारे पास इसकी इस तरह की होती है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।